सीएनजी लगवाने के बाद एक ये पंप की ये लाइट आती है, एक तो परमानेंट आती रहती है इंजन चेक की लाइट। हाँ जी। और दूसरी इसका ये है कि पेट्रोल पे इसका आरपीएम कुछ रहता है, सीएनजी पे आरपीएम कुछ रहता है। हेलो एवरीवन एंड कार सर्वे के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज आपके सामने भाई स्विफ्ट सीएनजी, और अभी रिसेंटली इसके अंदर सीएनजी लगी 2 दिन पहले ही। और जिन भाई की गाड़ी है उनसे भी आपको मिलवाएंगे, उनसे मतलब ओनरशिप एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या मतलब ऐसी नौबत आ गई कि अभी गाड़ी के अंदर उन्होंने सीएनजी लगवाई। और अभी इसकी रजिस्ट्रेशन दिखा देता हूँ आपको कि कितनी पुरानी है ये। तो ये देख सकते हो 20/1/2020, मतलब अभी 2022 जनवरी अपना जनवरी में 2022 जब लगेगा 2 साल हो जाएंगे गाड़ी को, तो 2 साल ही चली है। और अभी जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी एक्चुअल चल चुकी है, और अभी 2 दिन पहले लगी है, तो इससे पहले रनिंग जो इसकी हुई है वो पेट्रोल पे हुई है। तो आज हमारे साथ हैं हमारे भाई आदित्य गोस्वामी। तो भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। तो भाई कितने की लगी थी और क्या पर्पज़ पड़ा, पहली बात तो ये बताओ। पहले सीएनजी का मेन पॉइंट यही पूछते हैं, सीएनजी पे बात कर रहे हैं तो एक तो पेट्रोल सबसे ज़्यादा महंगा हो रहा है, सबसे मेन बात तो यही है। बाकी रनिंग ज्यादा थी मेरी इसलिए मैंने सीएनजी लगवाई है। अच्छा, तो सिंगल एंडेड आपके हाथ में ही चलती है गाड़ी है? मेरे हाथ में चलती है। तो जब ली थी जब कितने की पड़ी थी आपको 2 साल पहले? ये मेरे को पड़ी थी 685 की। 685 की ऑन रोड। तो भाई 2 साल में आपने कितनी चला दी थी पेट्रोल पे? मैंने ये 25,500 चला दिए। 25,000 पेट्रोल पे चला दिए। और मतलब 25,000 चलाने के बाद एकदम से क्या मूड घूमा कि भाई चलो सीएनजी लगवाते हैं गाड़ी के अंदर? एक तो जी पेट्रोल महंगा, अपना सीएनजी में रनिंग थोड़ी ज्यादा है, एवरेज अलग आएगी इसकी। अभी 2 दिन से आप इसे चला रहे हो, तो 2 दिन में कितनी बार सीएनजी डलवा चुके हो इसके अंदर और कितनी चला चुके हो सीएनजी पे? इसमें 482 की सीएनजी गिरवाई है और ये 95 किलोमीटर चल गई है और अभी भी बच रही है इसमें 2-3 डंडे में। तो अप्रोक्स आपको आइडिया तो लग गया होगा कि एक टंकी में कितनी चल जाती है? एक टंकी में लगभग 200 के आसपास चल जाएगी। 200 के आसपास। तो भाई अभी आपकी जब आपने गाड़ी ली थी उस टाइम आपने इसकी एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह ली थी गाड़ी की? हाँ जी, सब चीज़ ली थी। 3 साल की इसकी वारंटी थी। 3 साल की वारंटी थी। तो भाई आपने सीएनजी लगवा ली तो इसकी वारंटी अब तो डैमेज होगी? वो नहीं जी, वो इसका वो अलग से 800 रुपये का वो इसमें हो जाता है, एक्सटेंड हो जाती है। तो मतलब जैसे सीएनजी अब आपने लगवा ली तो वो वारंटी तो खत्म हो जाती है ना कंपनी से? इंजन की वारंटी खत्म हो जाती है, जो मतलब एक्सीडेंट वगैरह होता है वो चीज मिल जाती है। अच्छा, अलग से करवाना पड़ता है उसको। तो ये चीज है। तो अब ये बताओ भाई कितने की लगवाई थी और कहाँ से लगवाई थी आपने? ये भाई 45,000 रुपए की पूरी पड़ी है, पर इसका स्टैंड अलग है, ऑटोमोटो कंपनी की है और सेक्टर 16 ज्योति सीएनजी वाले पे से लगवाई थी। अच्छा, तो अभी आप चेकआउट करो एक बार। ये स्टैंड था वो जिसकी बात कर रहे हैं भाई, ये अलग से लिया था भाई आपने? ये कम वो दुकान वाले देते हैं, उन्हीं के पास अनेबल हो रहा है। तो इससे बस ये फायदा है कि आपको अगर अपनी स्टेपनी यूज करनी है तो वो आप इजीली यूज कर सकते हो यहाँ से ऐसे निकाल के। तो ये चीज है और सही भी है, इसके नीचे भी स्पेस बनी रहती है। तो भाई अपना आपने रिसर्च करी थी इसके बारे में कि सीएनजी, वैसे तो सुजुकी की हर गाड़ी के अंदर सीएनजी कामयाब है, इसमें तो कोई अपना कोई दो राय नहीं है, पर आपने थोड़ी बहुत रिसर्च करी थी कौन सी कंपनी की लगवानी चाहिए, कितना आपका बजट था और कैसे कैसे सारा सीन रहा? बजट वजट की तो नहीं थी, अपनी मर्जी से लगवाई इसमें। अच्छा, जो और भी फ्रेंड्स हैं उन सब ने यही लगवा रखी इसी कंपनी की, तो इसीलिए मैंने यही लगवाया। अच्छा, मतलब आपके और दोस्तों ने भी लगवा रखी। तो आपने जब घर में बताया कि अभी ऐसा अपने नई नई गाड़ी के अंदर आप सीएनजी लगवाने जा रहे हो, तो घर वालों ने कोई ऐसे इशू नहीं उठाया कि भाई गाड़ी की वारंटी वगैरह खत्म हो जाएगी, इंजन वारंटी? कोई वारंटी नहीं है। अच्छा, आपके हाथ की है जो खत्म, तो गाड़ी वैसे भी हो जाती है ये तो। तो एक चीज, अब एक मोटा सवाल ये था भाई कि जब आपने 2 साल पहले ये गाड़ी ली उस टाइम तक मार्केट में प्रोडक्ट तो और भी थे, स्विफ्ट के ऊपर ही क्यों गए भाई आप? स्विफ्ट मतलब ठीक थी उस टाइम पे, सबसे ज्यादा बिकने वाली एक तो मारुति की सबसे ज्यादा गाड़ी है ये तो है। पर एक अब जब अपना ये एनकैप का अभी स्कोर आया है इसमें, तो इसने 0 स्कोर किया उसमें सेफ्टी रेटिंग्स में, तो अब दुख नहीं होता है कि आपने मतलब ऑलमोस्ट 7 लाख रुपए आपने एक ऐसी चीज पे लगा दी जिसकी 1% भी वैल्यू नहीं है मतलब सेफ्टी में? अब तो हमें तो भगाने चाहिए, भगाने के हिसाब से हमारे लिए बढ़िया है। अच्छा, भक्ति तो बहुत है भाई, वो तो है, पर आपको ऐसा डर नहीं लगता है कि भाई कि जिसके अंदर 7 लाख की चीज के अंदर आप बैठे और सेफ नहीं हो आप? सेफ्टी तो जी अब ऑडी में भी ना आदमी जिसकी मौत आ रही आई भी है। ये तो है भाई। और अभी देखो आप ये टोटली, और भाई क्या बता रहे थे, क्या मतलब सिक्वेंशियल किट है ना? हाँ जी, ऑटोमोटो सिक्वेंशियल किट है। सिक्वेंशियल किट है, मतलब पहले जब स्टार्ट हुई था अपना
पेट्रोल पे स्टार्ट होगी हमेशा ही, स्टार्ट होगी सारी जैसे सीएनजी की गाड़ी होती है, स्टार्ट वैसे ही नॉर्मल सब वैसे ही है। अच्छा तो और देख लो एक बार गाड़ी कंडीशन, कुछ बिगड़ा नहीं है गाड़ी के अंदर, बस ये भाई की प्रेफरेंस थी कि सीएनजी लगवानी है। ये देख लो बिल्कुल क्लीन गाड़ी है एकदम। और एक चीज आपको यहाँ पे बता दूं, ये VXI वेरिएंट है, मतलब मिड वेरिएंट है। मोस्टली बंदे प्रेफर करते हैं कि बेस वेरिएंट लेते हैं और फिर उसमें सीएनजी वगैरह लगाते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क कम हो जाता है कि इतने सारे पैसे खर्च भी किए और फिर भी अपना कंपनी से वारंटी खत्म हो जाती है, तो वो चीज बंदे ज्यादा ध्यान रखते हैं। बट ये अपना VXI वेरिएंट है, मिड वेरिएंट है, जो कि सबसे ज्यादा बिकता भी है। और ये कुछ है, और भाई एक चीज बताओ, ये मैंने बहुत सारे स्विफ्ट के ओनर सुना है, इसका जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है, इससे फोन कनेक्ट करने में दिक्कत नहीं आती है? नहीं ऐसे कुछ नहीं आती, बस वो है कि पहले सिस्टम आता था कि गाड़ी स्टार्ट खड़ी में ही कनेक्ट होता था। हाँ, अब बंद हो गया है। अब बंद हो गया है। हाँ जी। क्योंकि भाई मैंने जितने भी मॉडल की जितनी हाँ, गाड़ी है उसमें चलते में वैसे हो जाता है। तो अभी मैंने भाई लिटरली हमारे एक दोस्त के पास भी ये है और उससे कनेक्ट करने में हालत खराब हो जाती है, समझ में नहीं आता कैसे होगा। फिर खूब दो तीन बार कनेक्ट कर लिया, फिर भी यूट्यूब ट्यूटोरियल देखने पड़ते हैं जब जाके इसमें कनेक्ट होता है। आपका तो वैसे कनेक्ट हो जाता होगा भाई बैठते। तो अभी आपको फिटिंग वगैरह दिखा देते हैं इसकी, कि कैसी फिटिंग जो है हुई है सिलेंडर की। अभी इंजन बोनट खोल के देख लेते हैं और देखते हैं। और ये है इसका स्विच, यहाँ पे बहुत सही तरीके से जिसने भी लगाया बहुत सही तरीके से असेंबल किया है। तो एक सेकंड इसे खोल लेते हैं बोनट को, फिर मिलते हैं। तो ये देखो भाई यहाँ पे जो सीएनजी की फिटिंग हुई पड़ी है, ये अपना पूरा कनेक्शन वगैरह जो है, और ये देख लो मतलब जिसने भी काम किया अपना बहुत सफाई से काम किया है। ये पाइपिंग वगैरह अभी दो दिन पहले लगी है, तो बिल्कुल सारी चीज़ें अलग से दिख रही होंगी जो नई नई जो इसके अंदर अभी लगी हैं। तो ये सारी चीज़ें तो अभी भाई से जानने की कोशिश करते हैं, सर्विस कॉस्ट वगैरह और इनिशियल मतलब जो बिहेवियर रहता है सुजुकी के बंदों का आज के टाइम में, और सर्विस कॉस्ट सबसे बड़ी बात। मैं किसी सुजुकी के ओनर से मिलना चाह रहा था जिसने अभी रिसेंटली सर्विस कराई हो, क्योंकि अभी मेरे सुनने में जैसा आया कि भाई अब सुजुकी की सर्विस मतलब पहले जैसी नहीं रही है, बहुत महंगी पड़ने लग गई है। तो वो अभी जानने की कोशिश करते हैं भाई से, इसे बंद कर लेते हैं। ये तो होगी गाड़ी के बारे में पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें, अभी जो आप नेगेटिव बता रहे थे वो बताओ क्या है एक्चुअल में। सीएनजी लगवाने के बाद एक ये पंप की ये लाइट आती है, एक तो परमानेंट आती रहती है इंजन चेक की लाइट। हाँ जी। और दूसरी इसका ये है कि पेट्रोल पे इसका आरपीएम कुछ रहता है, सीएनजी पे आरपीएम कुछ रहता है। अच्छा, जैसे कि अभी हमने पेट्रोल पे स्टार्ट करी तो इसके आरपीएम थोड़े हाई थे, हाई है। और अभी जब सीएनजी पे जब शिफ्ट होती है तो आरपीएम लो हो जाते हैं और उसकी वजह से गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन बनती है। तो अभी आप ये कहना चाह रहे थे कि थोड़ी सी आरपीएम को एक्स्ट्रा किया जाए ताकि जब सीएनजी से शिफ्ट होगी गाड़ी तो ये वाइब्रेशन ना बने। तो ये चीज तो भाई आती है, ये उसने बताया नहीं था भाई आपको कि इंजन चेक की लाइट आती रहेगी, ये वाली बताया तो उसने, ये तो सब पहले भी जिसने भी लगवाया सारी गाड़ियों में आता है। अच्छा, बाहर की फिटिंग जितनी भी, ये तो है भाई। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, और बस ये है कि भाई इतना रिफाइन इंजन होने के बावजूद भी जब थोड़ी वाइब्रेशन देता है तो बंदा इरिटेट तो होता है। या आप इसे पेट्रोल में चला रहे तो आपको पता तक नहीं चलेगी गाड़ी स्टार्ट भी है, चल भी रही है, नहीं चल रही है। बट सीएनजी पे वहीं पे तो भाई सीएनजी पे तो फिर एक्सलेशन भी ज्यादा करनी पड़ती होगी उस टाइम, अगर आरपीएम ठीक करवा लोगे तो। हाँ, उस टाइम एक्सलेट नहीं देना पड़ेगा। अगर आरपीएम जीरो पे है तो आपको एक्सलेट फालतू देना पड़ेगा। वो तो है भाई, वही चीज मैं जानने की कोशिश कर रहा था। तो ये है वो इंजन चेक लाइट जो ये वाली है ऑरेंज कलर की आ रही है, तो ये आती रहती है भाई, जब मेरी में भी आती रहती है, एनी टाइम कभी स्टार्ट करोगे आती रहती है। आफ्टर मार्केट जो सीएनजी लगती है उसका यही होता है। अभी सीएनजी पे अब आइए, हम दो मिनट से इसे स्टार्ट करके खड़े हैं। अब इसमें हिलना ना देख, अभी वाइब्रेट कर रही है भाई थोड़ी बहुत। और ये आरपीएम भी देख लो आप, अभी एक से नीचे गए और अभी थोड़ा और नीचे चला जाएगा ये। रात भर से गाड़ी खड़ी है, और जब शिफ्ट होती है तो उस टाइम भी पता चल जाती है, एक हल्की सी मतलब शिफ्टिंग की सी आवाज आती है, उसमें पता चल जाती है कि हो चुकी है शिफ्ट। तो अभी नया इंजन है, अभी दो दिन ही हुए लगवाए, अभी धीरे धीरे पता चलेगा जब थोड़ी चल जाएगी। तो अभी आगे बात करते हैं भाई, एक चीज बताओ, अभी आप दो दिन से इसे यूज कर रहे हो, अभी पेट्रोल से सीएनजी पे आप शिफ्ट हुए हो, कुछ पावर में कमी महसूस होती है गाड़ी के अंदर? थोड़ी हल्की बहुत, हल्की बहुत मतलब कैसे? 2-1% ऐसे दबाव फील करती है गाड़ी शुरू शुरू में, अगर ठंडी है तो। अच्छा, गर्म होने के बाद नहीं। हाईवे पे जब ओवरटेक करते हो तो उस टाइम दिक्कत होती है थोड़ी बहुत? इतनी नहीं होती। और एक चीज़ और भाई, ये चीज़ जाननी थी कि अभी जैसे कुछ टाइम से सुनने में आ रहा है कि सुजुकी की जो सर्विस कॉस्ट है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अभी रिसेंटली भाई ने, हमारे तन्नू भाई ने अपनी सिलेरियो की सर्विस करवाई थी तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ी थी, ऐसा आपके साथ भी होता है क्या?
कॉस्टली तो है, 8-7 हज़ार रुपए की तो होती सर्विस है पेट्रोल की, पहले डीजल की होती थी इतनी सर्विस। हाँ अब ये इतनी, अभी एक भाई भी है वो अपना ब्रेजा की करा के ले गए हैं, तो उनकी सर्विस 11 हज़ार रुपए की पड़ी है। तो ये मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि कोई सुजुकी का ओनर मिलेगा तो उससे भी जानने की कोशिश करूंगा कि अगर रियल में ऐसा है तो। तो स्पेयर पार्ट्स वगैरह महंगे होते हैं, फिर सर्विस कॉस्ट इतनी महंगी होगी भाई ये? सर्विस भी महंगी होगी, कुछ पार्ट्स वगैरह भी इन्होंने महंगी कर दी। पहले 8 हज़ार रुपये में डीजल की गाड़ी की सर्विस होती थी, अब पेट्रोल की गाड़ी की सर्विस होगी। तो भाई देख लो, अभी हाइप तो बनी है मार्केट के अंदर। और भाई गाड़ी के अंदर और कोई काम कराया है आपने अब तक सीएनजी से हटके? और ये पिलर लाइट लगवाई है मैंने। अच्छा, ये तो भाई ऐसा है स्विफ्ट पे कितना ही काम करा लो वो अलग से दिखता ही है। तो और भाई ने स्पीकर भी चेंज कराए गाड़ी के चारों, वो भाई का अपना ही रहस्य है जो बताने नहीं चाहते। बाकी ये है भाई, गाड़ी देख लो आप सीएनजी पे। अगर अगर भाई कोई प्लान कर रहा है अपना, आपकी तो रिसेंटली नई गाड़ी है, अभी इंजन के अंदर भी पूरा दम बना हुआ होगा, इसके अंदर कोई प्लान कर रहा है कि अपनी किसी दूसरी गाड़ी के अंदर ऐसा सीएनजी वगैरह लगवाने की ज़्यादा पुरानी के अंदर, तो रिकमेंड करते हो क्या? अगर नई गाड़ी ले लो तो कंपनी फिटेड में ही फायदा ज़्यादा है। तो अभी तो इसके अंदर आ नहीं रही, अगर जैसे मान चलो किसी का स्विफ्ट का ही प्लान है सीएनजी में और वो लगवाना चाहे, उसकी गाड़ी आपकी तो चलो 2-2 साल पुरानी है, आपकी गाड़ी में तो कुछ घिसा भी नहीं है ऐसा ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो 2-2 महीने में सब एक एक महीने के अंदर ही फिटिंग करवा रहे सीएनजी, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, अदर फिटिंग की कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई आपको जब सीएनजी लगवानी थी तो कुछ टाइम पहले लगवा लेते इससे अच्छा, तो अभी आपको इतनी महंगी पड़ी, क्या पता उस टाइम आपके 10-12 हज़ार रुपए बच भी जाते। पहले मूड नहीं था, तो अब लगवा ली क्योंकि पहले इतना पेट्रोल महंगा नहीं था। हाँ यही तो है, बाकी मतलब आपकी रनिंग रहती ज्यादा ही है। हाँ जी ज्यादा ही है। अभी 2 साल के अंदर 26,000 किलोमीटर चला दिया आपने। एक साल तो फिर भी लॉकडाउन रहा। हाँ उसमें लॉकडाउन भी है, ये चीज भी है, तो ये है। और तो भाई जब आप कितनी रनिंग थी तो आप कोई ऐसा डीजल वगैरह की गाड़ी देख लेते? उस टाइम पे मैं गया था डीजल के लिए, डीजल वेरिएंट बंद हो चुका था उस टाइम, तो बंद उससे पहले बंद हो गया था वो, तो पहले बंद हो गया। तो किसी और कंपनी की डीजल देख लेते? मारुति एक ऐसी गाड़ी है जो मीडियम फैमिली के लिए सबसे बढ़िया है। अच्छा, तो इससे फर्क प्रेफर करते हैं। अच्छा, ये चीज थी आपके दिमाग में रीसेल वगैरह वाली की? हाँ भाई रीसेल की भी इसकी सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू सुजुकी की गाड़ियों की तो है। तो बलिनो वगैरह क्यों नहीं देखी भाई आपने? और थोड़ी बड़ी मिल जाती, साइज वगैरह थोड़ा और ज्यादा एक्स्ट्रा मिल जाता उसमें। बलिनो पसंद ही नहीं थी, स्विफ्ट शुरू से ही पसंद है स्विफ्ट के लिए। अच्छा, तो अभी जैसे ब्रीजा की भी नई जनरेशन आ रही है, आपके पास ब्रीजा भी है एक जो कि आप सेम टाइम में निकलवा के ले गए, तो इससे अपग्रेड करने का प्रोग्राम है वो डीजल में? अच्छा, तो अभी कितना और चलाओगे भाई इसे अभी सीएनजी लगवाने के बाद? अब चलाएंगे चलाएंगे इसको चिक्के जब तक इसकी रमा करते हैं। तो अभी प्रोग्राम है 2-3 साल चलाने का? हाँ ज्यादा ही चला देंगे, ज्यादा ही चला देंगे, वैसे गाड़ी के अंदर कुछ घिसा भी नहीं है। और एक चीज और भाई, ये सभी नजर पड़ी तो बिल्ड क्वालिटी के बारे में क्या कहना चाहोगे गाड़ी की? अरे लगी कैसे थी और बता दो बस आप जल्दी जल्दी एक बार। वैसे एक मोटरसाइकिल वाले ने पीछे से टच ही करी थी और मैं बैक कर रहा था, वैसे इतनी सी लगी, इतने से में ये इतना नुकसान हो। तो ऐसा दुख सा नहीं होता भाई कि मतलब यार? हाँ बिल्ड क्वालिटी है, उस हिसाब से इसका मटेरियल भी सस्ता है, इतनी महंगी नहीं है, बम्पर वगैरह इसके नॉर्मल रेट के ज्यादा है भी। तो ये था भाई हमारे आदित्य भाई का एक ओनर रिव्यू, खुद ही चलाते हैं फर्स्ट, मतलब ऐसा सिंगल एंडेड कार है और ये सीएनजी लगवाई इन्होंने इसके अंदर, और अभी तो 2 ही दिन हुए, तो अभी जब लॉन्ग टर्म में चला लेंगे 1-2 महीने 3 महीने फिर भाई से एक्चुअल जानने की कोशिश करेंगे कि गाड़ी के साथ एक्चुअल में हो क्या रहा। और अभी विंटर्स चली हुई हैं तो, और रिसेंटली आज की तारीख की बात करूं तो सुबह और शाम को बहुत ठंड होती है, रियलिटी में बहुत ठंड होती है, तो अभी गाड़ी कैसी परफॉर्मेंस निकाल के देगी वो तो 1-2 महीने बाद ही पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें दोबारा से एक बार भाई से जानने की कोशिश करेंगे कि अब कितना डिफरेंस उनको दिखता है कि भाई सीएनजी से फ़र्क पड़ा है परफॉर्मेंस पे। तो कैसी लगी वीडियो बता देना कमेंट्स में आप भी, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हो तो उसका लिंक भी दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, और यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे अपना सब्सक्राइब कर लेना, और फेसबुक पे देख रहे हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कर देना, और फिर मिलते हैं, बाय बाय।